स्टूडेंट इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 6.11 के क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 को कंप्लीट करेंगे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास पेपर में आ चुका है। तो चलें जी इनके सोल्यूशन स्टार्ट करें। स्टूडेंट तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 19 ले लिया है, जिसको हमने सोल्यूशन करना है। तो चलें जी आए स्टार्ट करें। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद जो क्वेश्चन लिखा है, डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू अंडर रूट एस प्लस वन अंडर रूट थ्री टी प्लस वन। ठीक है जी बेटा, अब सबसे पहले आपको पता है कि x एंटी डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल दिए हुए, एक s दिया हुआ है एक t दिया हुआ है, तो s वाले को एक साइड पे और t वाले को एक साइड पे जमा कर लें। तो सबसे पहले ये देखें, ये एक s वाला मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो अंडर रूट s प्लस वन हो गया और ds ऐसी कैसी लिखा रहा। dt टी यहाँ पे डिवाइड पे है, इज इक्वल टू के साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा डी थ्री टी प्लस वन से। तो चलिए जी मल्टीप्लाई करते हैं। तो जरा देखें, s वाले इस साइड पे, t वाले इस साइड पे हो गए हैं, ऑल नंबर्स हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे कि टेक इंटीग्रेशन, ठीक है जी, टेक इंटीग्रेशन या टेक एंटी डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। ठीक है जी बेटा, बोथ साइड पे ले लेंगे। तो चले जाए लेते हैं, तो वन अपॉन अंडर रूट एस प्लस वन डी एस, और इसके अलावा इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे भी आ जाएगा थ्री टी प्लस वन डी टी। बेटा इसका एंटी डेरिवेटिव लेने के लिए थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करूंगा, क्या करूंगा जरा देखें, एस प्लस वन की पावर माइनस वन अपॉन टू डी एस लिखा हुआ है। ठीक है जी बेटा, क्या कहता है, स्क्वायर रूट बराबर होता है 1/2 के, ऊपर जाके क्या हो गया माइनस का था तो ऊपर जाके, नीचे प्लस का था तो ऊपर जाके माइनस का हो गया। ठीक है जी, इज इक्वल टू के इस पैट पे चलते हैं, तो बड़ा देखिएगा 3t प्लस 1 की पावर 1/2 dt, यानी कि स्क्वायर रूट था उसको 1/2 में कन्वर्ट कर दिया। क्यों, जब हम इसका एंटी डेरिवेटिव लेंगे तो आपको पता है पावर के अंदर ही 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, मतलब ऐड ही करना पड़ता है, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए आसानी हो और आपको समझाने में मुझे, तो इसलिए एक स्टेप करके मैंने कर दिया है। अब हम आगे क्या करेंगे बेटा, अब एंटी डेरिवेटिव लेंगे। तो भाई यहाँ पे तो सिंपल, इनका एंटी डेरिवेटिव लेने के लिए लीनियर इक्वेशन का, जो लीनियर जब इक्वेशन दी जाती है उसका एंटी डेरिवेटिव कैसे लगते हैं, वही फार्मूला यहाँ पे लगेंगे इन दोनों पे। तो जरा देखिए यहाँ पे क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है, तो भाई वन एस प्लस वन की पावर माइनस वन अपॉन टू, इसके अंदर एक जमा करेंगे, तो भाई माइनस वन अपॉन टू के अंदर एक जमा करेंगे तो क्या आएगा, वन अपॉन टू प्लस का आ जाएगा और वन अपॉन टू ही इसके डिवाइड में आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, जो लीनियर इक्वेशन है इसका डेरिवेटिव डिवाइड कर देंगे, इसका जो डेरिवेटिव होगा वो इसके डिवाइड में आएगा, तो एस का डेरिवेटिव वन आएगा और वन का डेरिवेटिव जीरो आएगा, तो जीरो को वन के अंदर ऐड करेंगे तो मेरा होल जो इसका डेरिवेटिव होगा वन आएगा, वो मैंने लिख दिया है। इज इक्वल टू चलते हैं अभी सर, बेटा इधर जरा देखिए 3t प्लस 1, ठीक है जी, पावर क्या लिखे 1/2, 1/2 के अंदर 1 जमा किया तो भाई ये बन जाएगा 3/2 और 3/2 ही इसके डिवाइड में आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, जो लीनियर टर्म थी, लीनियर जो इक्वेशन दी गई थी, इसका डेरिवेटिव इसके डिवाइड में करेंगे, इसका डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव लेने के लिए। तो भाई 3t का एंटी डेरिवेटिव लेंगे क्या आएगा, t का डेरिवेटिव 1, 3 को मल्टीप्लाई किया तो 3 हो गया और 1 का डेरिवेटिव 0, तो इसको 0 के अंदर ऐड करूंगा 3 के अंदर, तो मेरा होल जो इसका डेरिवेटिव होगा वो 3 ही आएगा। लिहाजा उसका जो डेरिवेटिव था वो डिवाइड करना था एंटी डेरिवेटिव के लिए, तो वो मैंने डिवाइड कर दिया। अब आगे क्या करना है बच्चों, वो जरा देखो, एन प्लस सी करेंगे सिंपल। अब करते हैं बेसिक सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन, बेसिक सिंप्लीफिकेशन के लिए हम यहाँ पे जरा देखें, 1 को 1.2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है जी बेटा, तो एस प्लस 1 की पावर 1/2 थी, ठीक है जी। अब जरा देखिए 1 को 1.2 से मल्टीप्लाई किया, 1/2 इज इक्वल टू यहाँ पे देखें 3t प्लस 1 की पावर 1, ठीक है जी बेटा, 1 की पावर 3/2। फिर जरा आ जाए डोमिनेटर में, 3 3 9/2, ठीक है जी बेटा, n प्लस सी। अब हम आगे क्या करेंगे, इनको उलट के सीधा करके लिखेंगे ताकि ये मजीद सिंप्लीफाई हो जाए, तो बेटा 2/1 बन जाएगा और s प्लस 1 की पावर 1/2 इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा, 2/9 बन जाएगा, ठीक है जी, और 3t प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस सी। अच्छा जी बेटा, तो उम्मीद है कि ये सारी बेसिक चीज़ें थी, उम्मीद है कि समझ आ रही होंगी। अब इसके बाद हम लोगों को आगे क्या करना है मैं वो बताता हूँ बेटा, ज़रा देखें यहाँ पे, ज़रा देखिएगा क्या होगा, मैं आपका आंसर देख लूँ बैक साइड पे क्या आया हुआ है। अच्छा जी, तो बेटा ये आप लोगों ने क्या कर लिया, एंटी डेरिवेटिव ले लिया है, मजीद अब इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती है ना बेटा, तो इसको थोड़ा सा और थोड़ा सेट करके लिख देता हूँ कि 1 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आ जाएगा, फिर s प्लस 1 की पावर 1/2 उसको ऐसी कैसी रहने दिया, इज इक्वल टू 2/9 जो था वो भी ऐसी कैसी रहने दिया। फिर इसके बाद में जरा देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3t प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस सी। तो भाई सिंपल बेसिक जो था एंटी डेरिवेटिव लिया, ये आ गया। अब हम इसको क्या कह देंगे, इक्वेशन नंबर 1। क्यों कह रहे, क्योंकि यहाँ पे हमें लिमिट्स कह रहा हूँ, बेसिकली हमें यहाँ पे कंडीशन दी गई है वो पुट करेंगे, तो इसलिए इसको इक्वेशन 1 कह दिया है। अब हम यहाँ पे कहेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो गिवन कंडीशन में हमें क्या दिया है कि x इज इक्वल टू 3 एंड t इज इक्वल टू 5। तो भाई ये जो इक्वेशन 1 का है, जहाँ जहाँ s होगा वहाँ पे 3 और जहाँ जहाँ t होगा वहाँ पे 5,
तो जरा देखिएगा एस, एस की जगह आ जाएगा 3 प्लस 1 की पावर 1 अपॉन 2। फिर चलते हैं इज इक्वल टू 2 अपॉन 9, आगे 3, टी की जगह क्या आ जाएगा, टी की जगह आ जाएगा 5। फिर चलते हैं आगे प्लस 1 और होल पे क्या लगा हुआ है 3 अपॉन 2 एंड प्लस सी। अब बच्चा आगे क्या कर सकते हैं जरा देखें, 2 ठीक है जी बेटा, क्योंकि 1 और 3 और एक जमा किया क्या आ जाएगा 4, और उसके ऊपर क्या लिखा है 1.2, 1.2 होता है स्क्वायर रूट। अच्छा जी यहाँ पे चलते हैं 2 अपॉन 9, आगे जरा देखें 3 5 15 15 और 1 16 बन जाएगा, और इसके ऊपर पावर क्या लिखिए 3 अपॉन 2 एंड प्लस सी। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है और सी की वैल्यू मालूम करनी है, तो कैसे करेंगे जरा देखें। सबसे पहले बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकालें, स्क्वायर रूट ऑफ 4 निकालें तो 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 अपॉन 9, ऐसे कैसे रहा। अब यहाँ पे जरा देखें हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले जरा देखें 16 को मैं 4 की पावर 2 लिख सकता हूँ, जी लिख सकता हूँ, 3 अपॉन 2 है तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लिहाजा हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, ये 2 टू 4 इज इक्वल टू 2 अपॉन 9। और उसके अलावा यहाँ पे जरा देखिएगा बेटा, यहाँ पे आपके पास 4 की पावर 3 है, तो 4 की पावर 3 निकाली वो क्या आ जाएगी 64 प्लस सी। ठीक है जी, अब हम आगे क्या कर सकते हैं जरा वो देखते हैं बेटा। यहाँ पे जरा देखिएगा, सबसे पहले ये और ये मैं काट नहीं, ये नहीं काट सकता क्योंकि यहाँ पे प्लस है, अभी रुक जाए कैसे काटूंगा बेटा। यहाँ पे जरा देखें ये 4 ऐसे कैसे रहेगा, 2 को 64 से मल्टीप्लाई करें, 64 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये आ जाएगा 128, तो 128 डिवाइडेड बाय 9 प्लस सी। अब ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो भाई -128 अपॉन 9 इज इक्वल टू सी। अब आगे क्या करना है, 4 माइनस 129 अपॉन 9, 128 अपॉन 9, तो भाई देखिएगा ये जो पूरी टर्म लिखी थी वो लिख दी, तो इस तरीके से यहाँ पे आपके पास C की क्या वैल्यू निकल के आई, C की वैल्यू बेटा आपके पास निकल के आई है C इज इक्वल टू माइनस 92 अपॉन 9। ठीक है जी बेटा, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो C की वैल्यू है बेसिकली इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या लिखी है, ये लिखी हुई है, ठीक है ना बेटा। तो चलिए यहाँ पुट करते हैं, तो जरा देखें यहाँ पे 2s प्लस 1 की पावर 1 अपॉन 2 लिखा हुआ है इज इक्वल टू 2 अपॉन 9। फिर जरा देखें 3t प्लस 1 की पावर 3 अपॉन 2 प्लस सी लिखा है, तो सी की वैल्यू क्या निकाली है -9.2, तो ये प्लस माइनस माइनस का हो गया और 92 अपॉन 9 आ गया है। ठीक है जी स्टूडेंट, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। लेकिन असल मसला क्या आया हुआ है कि आपकी बुक के अंदर इन तीनों के अंदर 2 आ रहा है, इसमें भी टर्म पे 2 आ रहा है, इसके अंदर भी कम के अंदर 2 आ रहा है, उस टर्म के अंदर भी 2 कॉमन आ रहा है, तो लिहाजा इसको क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया गया और आपके इस फॉर्म में लिखा है। तो जरा देखें 2 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एस प्लस 1 की पावर 1 अपॉन 2 बच जाएगी। इसी तरीके से 2 जब इस टर्म से डिवाइड करूंगा तो ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल आउट करके तो 1 अपॉन 9 और 3t प्लस 1 आ गया है और उसके ऊपर पावर 3 अपॉन 2 है। इसी तरीके से 2 जब इस टर्म से भी डिवाइड होगा तो 92 को 2 से डिवाइड करें तो जरा देखें क्या आएगा, 92 डिवाइडेड बाय 2 तो ये आ जाएगा 46। तो जरा देखिएगा यहां पे -46 अपॉन 9। ठीक है जी बेटा, तो अब आप अपनी बुक के पीछे जाएंगे तो आपको इससे बस 2 से डिवाइड करके ये वाली फॉर्म नजर आ रही होगी, लेकिन आप अगर गलती से ये आंसर भी छोड़ देते हैं तो कोई एग्जामिनर आपका नंबर नहीं काटेगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की जो चीज़ थी आपके पास क्लियर होगी, तो इंशाल्लाह आगे चलते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 20 ले लिया है, इसका करना है सोल्यूशन। तो भाई सबसे पहले सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन क्या लिखा है, डी आर अपॉन डी एस इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट 2s प्लस 3 डिवाइडेड बाय आर। इसके बाद यहाँ पे जरा देखें आर एस ये क्या लिखा है, आर 11 और अंडर रूट 3। तो बेटा इस तरह की चीज़ की हुई है तो मुझे पता है कि आर इज इक्वल टू अंडर रूट 3 है, उसके अलावा दूसरा क्या दिया है एस, तो एस इज इक्वल टू 11 है, तो लिहाजा ये मैंने आपको मजीद डिफाइन करके दे दिया है कि भाई आर की वैल्यू ये है और एस की वैल्यू ये है। ठीक है जी, तो चलो ये इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आर वाली वैल्यू को एक साइड पे और एस वाली वैल्यू को एक साइड पे करते हैं। तो सबसे पहले जरा देखें यहाँ पे मैं क्या करूँगा बेटा, डी ये जो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इस इक्वल टू के साइड पे लाके ये क्या हो जाएगा, इससे डिवाइड में आ जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड आ गया, अब ये इधर डिवाइड है इज इक्वल टू के साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये सिंपल यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गया इज इक्वल टू अंडर रूट 2s प्लस 3। ठीक है जी, अब डी एस डिवाइड में इज इक्वल टू के साइड पे जाके मल्टीप्लाई आ गया। ठीक है जी बेटा, तो जरा देखिए एस वाली टर्म इस साइड पे आ गई है और आर वाली टर्म इस साइड पे आ गई है। अब हम क्या करेंगे कि टेक साइन ऑफ एंटी डेरिवेटिव, टेक एंटी डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। तो चलिए जी ले लेते हैं, तो एंटी डेरिवेटिव सबसे पहले लेंगे आर वन जा आर हो जाएगा अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1 डी आर इज इक्वल टू अंडर रूट 2s प्लस 3 डी एस और साइन ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे भी आ गया। तो भाई साइन ऑफ एंटी डेरिवेटिव आ गया, इसका मतलब यह है कि अब हम इसका लेंगे एंटी डेरिवेटिव। लेकिन एंटी डेरिवेटिव लेने से पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई के फॉर्म में ले लें ताकि इसका एंटी डेरिवेटिव इजीली ले सकें। तो उसके लिए क्या करूंगा, आर स्क्वायर प्लस 1 की पावर माइनस 1.2, यानी कि जो स्क्वायर रूट था 1.2 के बराबर होता है तो ऊपर लिखा है तो माइनस का 1.2 हो गया, और उसके अलावा ये आर लिखा था आर डी आर की फॉर्म में रहा ऐसी का ऐसी।
फिर चलते हैं यहाँ पर। तो बेटा यहाँ पे जरा देखें, 2s प्लस 3 की पावर 1/2, स्क्वायर रूट 1.2 में होता है तो उसको मैंने उसमें कन्वर्ट कर दिया है। बेटा अब इसका एंटी डेरिवेटिव लेने के लिए जरा देखें क्या करेंगे। बेटा इसका तो एंटी डेरिवेटिव आपको पता है मैं इजीली ले लूंगा, किसका भला, इसका, क्यों, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है बेसिकली। 1 एक ऐड करूंगा वही डिवाइड में करूंगा और लीनियर इक्वेशन का जो डेरिवेटिव होगा वो डिवाइड में करके इसका एंटी डेरिवेटिव आ जाएगा। लेकिन इसका एंटी डेरिवेटिव लेने के लिए मुझे क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूशन करना होगा। क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो क्वाड्रेटिक फॉर्म को मैं डायरेक्ट इजीली नहीं कर सकता, तो लिहाजा सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाऊंगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कि जो बड़ी टर्म है r स्क्वायर प्लस 1 को y कंसीडर कर लिया, dy अपॉन dr, ठीक है जी, विद रिस्पेक्ट टू r इसका क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना। तो r का डेरिवेटिव लिया 2r हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, तो 0 हो जाएगा खत्म। उसके बाद इसको थोड़ा सीधी करके लिखेंगे, dy इज इक्वल टू 2r dr हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे जरा देखें, r dr की वैल्यू चाहिए, 2 नहीं चाहिए, तो 2 मल्टीप्लाई और उस साइड पे भेज के डिवाइड हो जाएगा। तो जरा देखें, dy अपॉन 2 इज इक्वल टू आर डी आर की फॉर्म बन जाएगी। तो अब जरा देखें ये जो वैल्यूज है सारी सब्स्टिट्यूट करते हैं और फिर एंटी डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो जरा देखें, आर स्क्वायर प्लस 1 किसके बराबर है, वाई के, और इसकी पावर क्या बनी हुई है, माइनस 1 अपॉन 2। आर डी आर किसके बराबर है, आर डी आर बराबर है डी वाई अपॉन 2 के, ठीक है जी। इज इक्वल टू जरा देखें यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 2s प्लस 3। इसको अभी फिलहाल ऐसी कैसी रहने देता हूँ क्योंकि इसका एंटी डेरिवेटिव तो डायरेक्ट और इजी तरीके से आ जाएगा, ठीक है जी। बेटा असल मसला यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूशन थी वो हमने कर दी। अब मजीद अरेंजमेंट के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1/2 को बाहर निकाल देंगे, कॉन्स्टेंट नंबर है, और y की पावर माइनस 1/2 जो है उसके साथ लगे रहने देंगे। अब जरा देखें इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी कोई अरेंजमेंट की जरूरत नहीं है खासा, इसको ऐसी कैसी रहने दें। अब जरा देखें, अब हमारा क्वेश्चन हो गए सीधे, अब हम एंटी डेरिवेटिव लगाएंगे। तो जरा देखें क्या होगा, बेटा माइनस 1.2 है, इसके अंदर एक जमा करेंगे तो 1/2 बन जाएगा और वही इसके डिवाइड में आ जाएगा। इज इक्वल टू चलते हैं यहाँ पे, जरा देखें यहाँ पे क्या लिखा है, 2s प्लस 3 की पावर 1/2, इसके अंदर एक जमा किया तो ये 3/2 बन जाएगा और 3/2 ही इसके डिवाइड में आएगा, सिंपल प्लस सी कर देंगे। उसके अलावा इस टर्म का जो डेरिवेटिव होगा वो इसे डिवाइड होगा, तो भाई 2s का डेरिवेटिव 2 आएगा, ठीक है जी, 3 का डेरिवेटिव 0, 0, 3, 2 के अंदर ऐड करूंगा तो मेरा 2 ही बन रहा होगा। तो इस लीनियर इक्वेशन का जो डेरिवेटिव होगा वो 2 है और वो इसे डिवाइड कर दिया, सही है बेटा। अब हम आगे क्या कर सकते हैं जरा वो देखें, बेटा 1/2 और 1/2 एक दूसरे से डिवाइड हो रहे, कैंसिल आउट हो गए होल के होल। अब यहाँ पे आपके पास क्या बची है, वाई की पावर 1/2 इज इक्वल टू यहाँ पे जरा देखें, ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल आउट हो गया, तो सिंपल 1/3 है वो आपके पास बाहर निकल के आ जाएगा, 2s प्लस 3 की पावर 3/2 प्लस सी, ये आपके पास आ गया। अब ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, वाई को स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर दिया, 1/3 2s प्लस 3 की पावर 3/2 प्लस सी, सिंपल। तो बेटा ये आप लोगों ने एंटी डेरिवेटिव ले लिया, अब हम इसको क्या कह देंगे, इक्वेशन नंबर 1, और इसके अंदर जो गिवन कंडीशन दी गई है वो पुट करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या दी गई है कि भाई r इज इक्वल टू अंडर रूट 3 एंड s इज इक्वल टू 11। तो जहां जहां r है वहां पे अंडर रूट 3 और जहां जहां s है वहां पे 11 पुट करते हैं इसके अंदर। तो जरा देखिए अंडर रूट y, सॉरी मैंने कुछ गलती है बेटा, y की वैल्यू हमने क्या कंसीडर की थी, सबसे पहले इसको उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको थोड़ा काट दें, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पे y क्या कंसीडर किया था, y हमने लेट किया था y इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 11, तो सबसे पहले वो पुट करेंगे। तो एंड y की जगह क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस 11 इज इक्वल टू 1/3 2s प्लस 3 की पावर 3/2 प्लस सी, ठीक है जी बेटा। तो अब जरा देखें जिस फॉर्म में क्वेश्चन था उसी फॉर्म में आगे, यानी कि कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, यही हमारी क्या बनेगी, इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी, ठीक है जी बेटा, इसको काट दें। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि भाई अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या दी हुई है कि भाई ये देख लेते हैं, यहाँ से देख लेते हैं, आर इजिकल टू अंडर रूट 3 एंड s इज इक्वल टू 11। तो भाई ये जो वैल्यूज हैं इसके अंदर पुट करेंगे, तो आगे हो गई जगह खत्म, नया पेज लगाता हूँ वहाँ पे कंटिन्यू करूंगा स्टूडेंट। तो अब वैल्यूज, ये जो वैल्यूज है r और s की इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे, तो चले जाए करते हैं भाई। यहाँ पे क्या लिखा है, अंडर रूट r, तो r इसके बराबर है अंडर रूट 3 के, उसके ऊपर स्क्वायर लिखा है वो स्क्वायर लिख दिया, एंड प्लस 1 जो है प्लस 1 रह गया, इज इक्वल टू 1/3। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है बेटा 2s, तो s की जगह हमें क्या लिखना है, 11 लिखना है, तो 11 लिखा एंड प्लस 3, तो वो प्लस 3 कर दिया, और इस होल के ऊपर क्या लिखा है 3/2, तो 3/2 लिख दिया एंड प्लस c, तो सिंपल जहां जहां r था वहां पे r की वैल्यू, जहां जहां s था वहां पे s की वैल्यू डाल दी है। अब आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो भाई स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल आउट हुआ, तो यहाँ पे बच गया 3 एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 1/3, 2 11 22 एंड प्लस 3, और होल पे क्या लिखा है 3/2 एंड प्लस सी। आगे जरा देखें, 2, 3 और 1 कितना हो गया, 4, अंडर रूट 4, ठीक है जी, अंडर रूट 4 भी बोल सकते हैं 1/3, तो यहाँ पे जरा देखें 22 प्लस 3 किया तो ये बन गया 25 की पावर 3/2 प्लस
सी आगे हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 4 निकालें 2 रह जाएगा 1/3। अब देखिए 5 की पावर 2 लिखो तो 25 हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है, और उसके ऊपर पावर क्या है 3/2 एंड प्लस सी। बेटा ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 = 1/3, 5 की पावर 3 प्लस सी बच गई। अब हम आगे क्या करेंगे जरा वो देखें बेटा, सबसे पहले यहां से निकालें 5 की पावर 3 आ गई 125, तो आपने लिखा 2 = 125 को 1 से मल्टीप्लाई किया 125/3 प्लस सी। अब हम आगे क्या करेंगे बेटा कि सिंपल यहाँ पे जरा देखिएगा 2 है ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा 125 और डिवाइडमेंट में है क्या है 3 और प्लस सी, सिंपल ये प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया। अब आगे क्या करना है कि भाई 2 ठीक है जी 2 - 125/3 ठीक है जी, जिस तरह की ये चीजें लिखी थी वही पूरी की पूरी वैल्यू लिखी और ये लिखा, तो आपका एलसीएम क्या निकल के आया बेसिकली सी की वैल्यू 119/3 माइनस है ना बेटा, माइनस का ही है। तो ये आपने सी की वैल्यू मालूम करी, अब इसको क्या करेंगे पुट इन इक्वेशन वन के अंदर सी की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन वन क्या लिखी है ये, तो बेटा जरा देखिए √r² + 1 = 1/3 2s + 3 की पावर 3/2 एंड प्लस टू सी। तो सी की वैल्यू आपने यहाँ पे क्या निकाली है बेटा, सी की वैल्यू निकाली है -190/3 ठीक है जी बेटा। तो भाई ये आपने सी की वैल्यू पुट करी तो ये आपका फाइनल आंसर बन गया है। तो अब आप अपना चाहें तो आंसर यू भी छोड़ सकते हैं, इसके अलावा मैं अपनी बुक के पीछे देख लूँ जरा, बुक के पीछे भी जरा देखिएगा बिल्कुल यही आंसर लिखा हुआ है ठीक है जी बेटा। तो सिंपल कोई ज़्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं, यही आपका फाइनल आंसर बुक के पीछे भी दिया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करते हैं खत्म, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।